दोस्तों, तो ये है मेरी पहली सुबह आज की डाबरी में, एक ऐसी जगह जहाँ ना ही लाइट है और ना ही आने जाने के कोई संसाधन और ना ही नेटवर्क, सब कुछ बंद, यहाँ कुछ भी नहीं है। और मेरी रात काफ़ी अच्छी बीती इस जगह, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसी जगह पे आई हूँ और बहुत 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 अच्छी नींद आई। पहली बार मेरी 3 घंटे की नींद पूरी बिना टूटे कंप्लीट हुई है और एक नया अनुभव लिया है मैंने। तो ये पहला दिन था का नज़ारा कुछ ऐसा है बाहर का। फ़िलहाल मैं बाहर बैठी हूँ और यहाँ एक बच्चा भी है। मैं यहाँ आई हूँ एक शादी अटेंड करने। शादी परसों की है, आज माता पूजन है, तो लाइट नहीं है अभी, पता नहीं, नहाया भी नहीं है, बस ब्रश किया है, चाय पी है। और इतनी शांत सुबह बहुत बहुत दिनों के बाद नसीब हुई है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, सुबह हो चुकी है, सुबह के 8 बज रहे हैं। यहाँ बहुत शांति है, बहुत शांत जगह है जंगल के बीचों बीच में, और ना ही यहाँ नेटवर्क है, ना लाइट है, ना ही आने जाने के कोई संसाधन, तो इसलिए ये जगह और भी ज़्यादा खास हो जाती है और खूबसूरत हो जाती है। क्योंकि मैं कुछ दिन ऐसी जगह पे बिताना चाहती थी जहाँ ये सारी चीज़ें ना हो, ताकि मैं एक चैन की सांस ले सकूँ, शांत भरी कुछ पल व्यतीत कर सकूं खुद के साथ। तो मुझे मौका मिला तो मैंने इस मौके को गवाया नहीं और मैंने फटाफट बैग पैक किया और मैं सीधी यहाँ चली आई। फ़िलहाल मैं बैठी हूँ चूल्हे के पास में और मैं यहाँ गर्म कर रही हूँ पानी नहाने के लिए, क्योंकि लाइट है नहीं तो पानी गर्म और किसी चीज़ से कर नहीं सकते। तो यहाँ एक चूल्हा था तो मैंने चूल्हे में आग लगाई और मैं यहाँ पानी गर्म कर रही हूँ। तो बहुत 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 मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत खुशी भी हो रही है कि मैं यहाँ आई हूँ। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए मेरे YouTube चैनल पे। ये देखिए चूल्हा, ये है बाहर का, बाहर जाने के लिए रास्ता, और ये है अंदर जाने के लिए रास्ता। यहाँ कुछ सामान रखा हुआ है। तो दोस्तों, ये है घर जहाँ मैं रुकी हुई हूँ और भी शांत जगह पे है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, पहला दिन मेरा बहुत बहुत खूबसूरत निकला है यहाँ का। यहाँ की सुबह इतनी शांत थी। एक बार फिर से चाय पी रही हूँ, चाय नहीं है ये, दूध है, देखिए दूध, मैं चाय नहीं पीती तो मैं दूध पी रही हूँ। हाँ, जनरेटर हो जाता बस दिक्कत ही नहीं। गाइस, हमारा पोहा बन चुका है जो कि मैंने बनाया है, पता नहीं कैसा बनाऊंगा, अभी खा के देखेंगे कि कैसा बना है। और यहाँ के पोहा बना के बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर के नज़ारे दिखा दूँ, यहाँ जंगल ही जंगल है। थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को विलेज टूर पे ले जाऊंगी और विलेज का हम थोड़ा भ्रमण करेंगे कि कैसा गांव है यहाँ पे। दोस्तों, इधर से एक दूल्हा घूमते हुए आ रहा है मॉर्निंग वॉक करके। वाह, कितना शानदार नज़ारा है। पानी भर रही है हैंडपम्प से। अच्छा। बहुत भारी है क्या? देख रहा हूँ, मतलब ऊपर ही चल रहा है हैंडपम्प। तो दोस्तों, अभी हमने हैंडपम्प खींचा, जैसे कि आपने देखा यहाँ लाइट नहीं है, पानी की सुविधा भी नहीं है, तो हैंडपम्प से पानी ले जाके नहाना होगा। सारे काम हैंडपम्प के पानी से हो रहा है और हैंडपम्प बहुत ज़्यादा भारी है, मैंने अभी हिला के देखा, लेकिन कोई नहीं, आए हैं, थोड़ा एडवेंचर का मज़ा तो लेना पड़ेगा। गाँव की ज़िंदगी बहुत 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 खूबसूरत होती है और मैं यही एक्सपीरियंस लेने आई यहाँ पर, ताकि एक अलग माहौल मिल सके। अच्छा लग रहा है। और फिलहाल मैं गांव में घूम रही हूँ, थोड़ी दूर तक आई थी। देखिए आप, ऐसा है गांव यहाँ का। और बारिश बहुत ज़्यादा हुई है कल भी और 2-3 दिन से लगातार हो रही है शायद, तो मौसम काफ़ी अजीब हो रखा है। और मैं जा रही हूँ इधर, पता नहीं इधर क्या है, मैं बस ऐसे घूमने आई थी। यहाँ एक नदी है
नदी का नाम पता नहीं क्या है, थोड़े आगे तक जाके देखिए हम क्या है यहाँ पे। ओके हाँ, तो ये गांव जंगल के बीचों बीच में है, देखिए आप अभी है, अभी पतझड़ का मौसम है तो इसलिए उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब यहाँ हरियाली होती होंगी बारिश के मौसम में काफ़ी अच्छा माहौल रहता होगा, बहुत अच्छे नज़ारे होते होंगे क्योंकि जंगल पूरी तरह से हरा हो जाता है और मुझे जंगल बहुत ज़्यादा पसंद है, जंगल के आसपास के गांव, तो मैं बस इसी का मज़ा लेने आई हूँ। तो ये मेरा ट्रिप जो यहाँ का है 5 दिन का होने वाला है, तो मैं 5 दिन यहीं रहूँगी और आपको यहाँ के गांव के रीति रिवाज, शादी के, जिस शादी में मैं आई हूँ ये ट्राइब्स में आते हैं और कोरकू समाज से आते हैं, तो मैं पहली बार इनकी शादी देखूँगी तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊँगी हर छोटी से छोटी चीज़, इनके रीति रिवाज और भी जो छोटी से छोटी चीज़ें होंगी, और विलेज टूर भी कराऊँगी जो कि मैं खुद करना चाहती हूँ, अभी तक मैंने विलेज टूर नहीं किया है लेकिन हाँ थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को विलेज टूर भी कराऊँगी, अभी नहाया नहीं है दोस्तों तो हैंडपम्प से पानी लेके जाना होगा खुद को लाइट नहीं है, आप देख रहे हैं बहुत बहुत कठिन होता है गांव का जीवन लेकिन बहुत मज़ेदार होता है। ठीक है कुछ सुख सुविधाएं शहरों की जैसी नहीं होती है लेकिन एक अलग सा मज़ा और एक अलग सी सुकून भरी ज़िंदगी होती है गांव की, तो मुझे ऐसी ज़िंदगी बहुत पसंद है, तो मैं हर एक चीज़ एक्सपीरियंस करूँगी, हर एक चीज़ का मज़ा लूँगी, फिर वो हैंडपम्प हिला के अपने खुद के नहाने के लिए पानी ले जाने से लेके अपना खुद का खाना, जो भी कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें हो तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। फिलहाल हम चलते हैं घर। अभी वंदना भाई क्या कर रहे हैं दोस्तों, हमारे गांव में लाइट नहीं है दीदी हैंडपंप खींच रही है